क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोग? जीन रेगुलेशन यानी कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड विच इज द बेस्ट वे विच इज द बेस्ट प्लेस टू स्टॉप ट्रांस वो विच इज द बेस्ट प्लेस टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन क्योंकि हम हर जगह पे यहाँ देखो हर जगह से यहाँ पे जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं बट ट्रांसक्रिप्शन इज द बेस्ट प्लेस. अच्छा और प्रोकैरियोटिक में तो सबसे जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे क्या किया जाए है ना. इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया है एक बैक्टीरियल सेल का एक सेल का जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ग्लूकोज की क्या हो रही है ग्लाइकोलिसिस हो रही है. और यहां पे देखेंगे आप ग्लाइकोलिसिस हो रही है एटीपी मिल रहा है. एटीपी का मतलब क्या है? एनर्जी. एनर्जी मिला बैक्टीरिया ठीक है. ये पूरी तरह से काल्पनिक तस्वीर है. अगर इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा. अब देखो एटीपी तो मिला है एटीपी यूटिलाइज होना शुरू हो गया एटीपी खत्म बैक्टीरिया स्टार्टेड है ना ठीक है. अब ये क्या करेगा बैक्टीरिया? ऑनलाइन में कोई कुछ बोलेगा? बोलो भाई ऑनलाइन. यस सर एटीपी की सिंथेसिस अब उसको एटीपी चाहिए तो एटीपी का सिंथेसिस करेगा किसी तरीके से. किसी तरीके से क्या करेगा? सर ग्लूकोज चाहिए उसको ग्लाइकोलिसिस फर्दर करने के लिए जिससे एटीपी बन सके. ओके सो अब ये क्या करेगा? अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि क्या किया हुआ है इसको हाँ मतलब यहाँ पे अभी इसको सप्रेस किया हुआ है मेम्ब्रेन को अलाउ नहीं कर रहा है ठीक है ना. सिग्नल देगा सिग्नल देने के बाद से ये क्या करेगा? अलाउ करने के बाद से बाहर से क्या आया? लैक्टोज. क्या है भैया? हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक 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 मैंने दिया हाँ ठीक ठीक हाइड्रोफिलिक ओके. अंदर आया ये क्या है भाई? हथौड़ा है फंसा है पेंसिल है आरी है कुल्हाड़ी है नारी है तरकारी है कुल्हाड़ी है. अच्छा अच्छा कृति कुल्हाड़ी नहीं ना. अच्छा हथौड़ी हथौड़ी. अब यहाँ पे देखो ये डाइसेक्रेट को कट करेगा किसमें? ग्लूकोज. अब ग्लूकोज मिला जैसे ग्लूकोज मिलेगा अब ये और यहाँ पे एटीपी बनने लगा बैक्टीरिया बिकम्स. तो ये जो कुल्हाड़ी है या जो भी है इसका नाम क्या है? परमिशन देने वाले का बाहर से जो आया है लैक्टोज ठीक है. तो लैक्टोज क्या है? ग्लूकोज क्या है? गैलेक्टोज क्या है? ओके ओके. और जब ग्लूकोज इसको मिल गया तो अब तो जरूरत नहीं है तो जरूरत नहीं है तो अब सिग्नल देगा क्या करेगा अब इसको? परमिएज का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा. यानी कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है. इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सी 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 डीएनए. फुल फॉर्म बताओ. अच्छा 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 सर्कुलर डीएनए कोवेलेंटली क्लोज्ड एकदम साफ सुनाई दे रहा है ठीक है. हाँ ये देखिए कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर. अब सिग्नल जाएगा मतलब अब यहां से देखो ट्रांसक्रिप्शन हुआ बैक्टीरिया में. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होता है कि नहीं? साइमल्टेनियस होगा तुरंत प्रोटीन बनेंगी और तुरंत काम. देखिए यहाँ पे फिर से काम स्टार्ट हुआ और फिर से लैक्टोज अंदर आया यहाँ पे ग्लूकोज मिला फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया बिकम्स
हैप्पी हुआ नहीं क्या, कर दिया जाएगा, अभी हैप्पी कर दिया जाएगा इसको। अब यही बताना था, इसी के लिए हमने बताया आप लोगों को कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, इसके पास देखिए बीटा कैरेक्टरसाइडेज परमीएज और ट्रांस स्टाइलेज का जीन अवेलेबल होगा। अब बीटा कैरेक्टरसाइडेज की बात करेंगे, जो बीटा कैरेक्टरसाइडेज है वो कट करने का काम कर रहा था, परमीएज परमिशन दे रहा था, ट्रांस स्टाइलेज का कोई डायरेक्ट रोल साफ से बोल रहे हो ना, एकदम लग रहा है कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके लिए जो जीन का नाम है वो क्या है, कैसे पता चला कि ये जीन का नाम है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, कैपिटल लेटर में लिखा रहता है तो वो क्या होता, उससे बनने वाली प्रोटीन। ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक ट्रांसक्रिप्शन का कंसेप्ट, जो लोग नहीं पढ़े होंगे ये सब पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाएगा अभी। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड रेगुलेटर। तो अगर किसी जीन का कैरेक्टराइजेशन करना हो तो जीन में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या क्या होगा, एकदम गजब। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज कहां से एक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, स्ट्रक्चरल जीन का। ठीक है, तो बिना प्रमोटर के ट्रांसक्रिप्शन होगा और बिना टर्मिनेशन के रुकेगा, तो इम्पोर्टेंट तो तीनों है मेनली, अगर देखा जाए तो प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री किसके बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अप स्ट्रीम में रहता है कि डाउन स्ट्रीम में, स्ट्रक्चरल अप स्ट्रीम में क्या है, प्रमोटर। टर्मिनेटर कहाँ रहेगा, डाउन स्ट्रीम में रहेगा। ठीक है, तो आरएनए सिंथेसाइज होगा, यहाँ पे देख लीजिए सिंथेसाइज होते हुए जा रहा है, और टर्मिनेटर पे आया तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेशन हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, स्ट्रक्चरल जीन का। तो यही हमने डिस्कस किया, और इसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऐसा ही एक स्ट्रक्चरल जीन है लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए, इसके लिए जो तीन जीन है उनका नाम क्या है, ZYA हो गया। अब हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अप स्ट्रीम में देखेंगे प्रमोटर में क्या होता है, देयर इज नो जीरो, जीरो जैसा कोई चीज नहीं होता, जहां से स्टार्ट होगा वो क्या होगा, उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में। ठीक है, अब ऑपरेटर है प्रमोटर का ही पार्ट है, अब देखिए प्रमोटर के जस्ट अप स्ट्रीम में क्या है उसका, रेगुलेटर। ठीक है ना, ये देखिए रेगुलेटर, रेगुलेटर का ट्रांसक्रिप्शन हुआ क्या बना, आरएनए से क्या बना, और प्रोटीन जाके बाइंड कर लिया किससे, यानी कि इस प्रोटीन, ये जो रेगुलेटर प्रोटीन होता है इसकी बाइंडिंग एफिनिटी किससे होती है, और जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड कर लेता है ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, रिप्रेस हो जाता है, इसीलिए रेगुलेटर से बनी हुई इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन। और यही अगर रेगुलेटर से ऐसा प्रोटीन बनता जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराता था, उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। तो रेगुलेटर के दोनों पार्ट होते हैं, एक्टिवेटर भी और रिप्रेसर भी। अगर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा रहा है तो क्या बोलेंगे, और इनहिबिट करा रहा है तो रिप्रेसर। अब रिप्रेसर देखिए, यानी कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमें ये देखना होगा, हमें ये देखना होता है कि ट्रांसक्रिप्शन होना भी चाहिए, राइट, जब जरूरत हो तो ट्रांसक्रिप्शन होना भी चाहिए और जब जरूरत नहीं हो तो ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने क्यों नहीं डीएनए को ही म्यूटेट कराया, एक कोई बताए डीएनए को ही क्यों नहीं म्यूटेट कराया, क्योंकि अगर डीएनए म्यूटेट कर देंगे इसलिए हम डीएनए पे अल्टरेशन नहीं करते, तो रिप्रेशर हो गया यहाँ पे, समझ में आई ये बात। अब बात ये है, कंसेप्ट ये है कि अब अगर मान लो
कि बार बार रिप्रेशन जाके यहां पे बाइंड कर लेगा ऑपरेटर से, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे, है कि नहीं? अगर ये ऐसा लगातार हो रहा है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन।